रेनू बहन, तेरे से तो कोई घर की बात छुपी नहीं है। मम्मी के जाने के बाद मैंने तो भैया से बोल दिया था अब हम अलग हो जाते हैं। हाँ रेनू, तेरे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देवरानी जेठानी की बनती कहाँ थी, तुझे तो अच्छे से पता है। वो तो मम्मी के चक्कर में हम एक दूसरे को झेल रहे थे। अब मम्मी चली गई तो हमने सोचा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और हमें ना नाला फ्लोर भी तो रेनोवेट कराना था, बस इसीलिए हमने भैया को बोला, भैया आप लोग ना ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि आप लोग रेनोवेशन में कुछ पैसे भी दे सको। तो भैया और ऊपर चले गए और हमने ना इतनी बढ़िया रेनोवेशन कराई है, देख कितना बढ़िया लग रहा है हमारा फ्लोर। हाँ बहन, हमने अपने इस फ्लोर को ना रेनोवेट कराने के लिए पूरे 10 लाख रुपए खर्च करे हैं। ये देख, ये सोफा पूरे 50,000 रुपए का है, और देख ये वॉलपेपर 10,000 रुपए का है, और देख हमारी अलमीरा पूरे 1 लाख रुपए की है। इतना पैसा भैया भाभी के पास तो था नहीं, इसलिए वो ऐसे ही रह रहे हैं। अरे तू छोले भटूरे तो खा, ये मैंने बड़ी महंगी दुकान से मंगाए हैं, अग्रवाल की दुकान से, खा खा। भाई आपसे एक बात बोलूं, आपके तो बहुत अच्छी इनकम होती है, आपके तो बहुत अच्छी नौकरी है, और भैया मामूली से नौकरी करते हैं। अगर आप भैया की फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर दोगे तो वो भी तो अपने घर को रेनोवेट करवा सकते हैं ना भाई। रेनू तू कैसी बातें कर रही है, तेरे भैया हमारे लिए कमाते हैं या बड़े भैया के लिए, हम क्यों उनकी मदद करें। और हाँ, ये तूने जो गंदा सा बैग हमारे सोफे पे रख दिया ना, इसे हटा दे। तुझे बताया ना तेरे भैया ने, 50,000 का सोफा है, गंदा हो जाएगा। ठीक है भाभी जी, नीचे रख देती हूँ। हाँ रेनू, ये तूने बढ़िया किया जो ये बैग ना नीचे रख दिया। तुझे पता है मैं तो सोफे पे बच्चों को भी नहीं बैठने देती, खामा खाना ड्राई क्लीन का खर्चा आ जाता है। और हमें पता लगा ना तू आने वाली है और लंच का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा तेरे लिए अकेले के लिए कौन खाना बनाए, तो हमने ना तेरे लिए छोले भटूरे मंगवा लिए। तू खाती क्यों नहीं है, खाना फटाफट, थोड़ा सा तो खाया है, ले भैया भी आ गए। रेनू नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्ते बहन। बहन तू आराम से बैठ के यहाँ बातें कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, आज रात का खाना तेरा ऊपर हमारे यहाँ पे है। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तू आ जियो, चलता हूँ मैं अब। राजीव बोला है रेनू को रात के खाने के लिए। हाँ डॉली, मैं बहन को रात के खाने के लिए बोले आऊँ, आप मुझे ये बता दो बाजार से क्या क्या लाना है। राजीव रेनू मम्मी जी के जाने के बाद पहली बार हमारे घर आ रही है, तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और ना रेनू को मम्मी जी की कमी महसूस होनी चाहिए। आप ऐसा करो मार्केट जाकर पनीर ले आओ, रेनू को ना पनीर बहुत पसंद है। डॉली आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है पनीर 280 रुपए किलो है और महीने का एंड चल रहा है, इतने पैसे भी नहीं डॉली मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ सोया चाप ले आता हूँ, सोया चाप शायद 120 रुपए किलो है। ये तो है राजीव, ठीक है आप मार्केट जाकर ना सोया चाप ले आओ, मैं उसको ना अच्छे से बना दूंगी और साथ में ना दाल मखनी बना दूंगी, दोनों चीजें सामने रखने में अच्छी लगेगी। और रेनू ना जब जाने लगेगी ना तो उसको 100-200 रुपए भी देने पड़ेंगे, मैं ना बच्चों के गुल्लक में से पैसे निकाल लूंगी, वो उसको दे देंगे। ठीक है डॉली, मैं मार्केट जाके सोया चाप ले आता हूँ, आप बाकी तैयारियां कर लो। भाभी एक बात बोलू, आज आपके हाथ का खाना खा के मुझे मम्मी की याद आ गई, मम्मी भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती थी। हाँ रेनू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मम्मी जी बहुत स्वाद खाना बनाती थी और मैंने खाना बनाना भी ना मम्मी जी से ही सीखा है। पर रेनू माफ़ करना, हम तेरा फेवरेट पनीर नहीं बना पाए, क्योंकि तुझे तो पता ही है हमारे हालात, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इसलिए हम पनीर नहीं बना पाए तेरे लिए। भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे आपके हालातों के बारे में अच्छी तरह पता है, और आपने जो भी बनाया मेरे लिए वो मेरे लिए पनीर से ही बढ़कर है भाभी, क्योंकि आपने ये मेरे लिए दिल से बनाया है। अरे रेनू तेरी भाभी दिल से क्यों ना बनाती तेरे लिए खाना, माना हम दोनों के पास तेरे छोटे भैया भाभी जितने पैसे नहीं है, पर हम तेरे लिए जो भी करेंगे ना रेनू दिल से करेंगे। हाँ बहन तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, हम जो भी तेरे लिए करेंगे बिल्कुल दिल से करेंगे। और बहन एक बात बता, जब मम्मी थी तो तू तो यहाँ रहने भी आ जाती थी, लेकिन जब से मम्मी गई है तू यहाँ एक भी रात नहीं रुकी है। अब मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है कि तू आज यहाँ पे ना एक रात रह के जाइयो। राजीव आप रेनू को रुकने के लिए तो कह रहे हो, पर हमारे घर तो एसी नहीं है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रेनू सो नहीं पाएगी,
चल रेनू तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कर नीचे छोटे भैया के पास रुक जाइयो अपने, उनके घर 3-3 AC है, तुझे आराम से नींद आ जाएगी। और सुबह ना तू दोबारा से हमारे पास आ जाइयो, मैं तेरे को गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के खिलाऊंगी। भाभी आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं तो यहाँ रुकने आई थी, मगर मैं छोटे भैया भाभी के पास नहीं आप लोगों के पास रुकूंगी, क्योंकि भाभी बेटियाँ प्यार की भूखी होती है, पैसों की नहीं।